गेम के अंदर गाइस फाइनली हार्ड मोड आ चुका है और अभी तक हमने कोई वॉर कोई टूर्नामेंट खेला नहीं है। हार्ड मोड के अंदर आज पहली बार खेलने जा रहे हैं। हार्ड मोड के अंदर टूर्नामेंट का वॉर और मोस्ट प्रोबेबली आगे सारे वॉर अब हार्ड मोड के अंदर ही हुआ करेंगे, तो काफी ज्यादा मजा आएगा और देखना होगा कि जूता अब किस तरह से बजता है हार्ड मोड के अंदर। नॉर्मल मोड हमने देख लिया, पहला अटैक हार्ड मोड के अंदर डिग भाई साहब की तरफ से ड्रैगन अटैक आ रहा है। देख रहे हो हार्ड मोड कैसा लिखा रहा है, टीम फाइनाइटली। अभी तक हमको आदत पड़ चुकी है 15-15 स्टार देखने की। देखना पड़ेगा क्या इस मोड के अंदर कुछ फर्क पड़ेगा स्टार्स के ऊपर, या वही सब बंदे पगलेटों की तरह 3 स्टार मारेंगे। लिम पहुंच गई है टीएस तक, क्वीन को उतारा जा चुका है, किंग को उतारा जा चुका है। किंग जाएगा आर्टिलरी को लेने के लिए, एक फ्रीज लगा दी है। क्वीन यहाँ पे मरने वाली है, स्केलेटन का कोई फायदा यहाँ पे लग नहीं रहा कि शायद उठा पाएगी। क्वीन निकाल लेगी कैनन को, तो निकाल लेगी रिकोशेट कैनन को, तो इन्वी टावर को एक्टिवेट भी कर देगी, उसके बाद मरेगी। क्वीन यहाँ पे मर जाएगी। रेल चैंपियन का भी आना बाकी है। इलेक्ट्रोल ने बढ़िया डैमेज देके डिफेंसेस को टेकडाउन कर दिया है। यहाँ पे दो, एक फ्रीज बची है, एक इनविजिबल बची है। ओनेंट की रॉयल चैंपियन भी अभी बची हुई है। किंग यहाँ पे थोड़ी सी पावर के साथ बचा हुआ है, लेकिन काफ़ी सारे डिफेंसेस अभी यहाँ पे हमारे पास बचे हुए हैं। दो ड्रैगन भी बचे हुए हैं। रॉयल चैंपियन को लगा दिया गया, आरसी को निकाल लिया जाएगा, कोशेट कैनन को निकाल लिया जाएगा। यहाँ पे आरसी की हेल्थ बहुत कम हो चुकी है, एबिलिटी दबा दी गई है। टारगेट इन्फर्नो को टेक डाउन किया जाएगा। यहाँ पे ग्राउंड स्केलेटन परेशान कर रही है, उनको मार दिया जाएगा ड्रैगन के द्वारा। और रॉयल चैंपियन मुझे लग रहा है क्लच करने का काम यहाँ पे कर देगी। लग नहीं रहा था कि इस बेस के ऊपर ब्रेक लग पाएगा, लेकिन रॉयल चैंपियन ने क्लच दबा के ब्रेक लगा ही दिए हैं। यहाँ पे पहला अटैक हमारी तरफ से 3 स्टार होते हुए हार्ड मोड में। लौंडा लोग आ गए हैं अपोनेंट के और लेकर आए हैं रूट राइडर अटैक। बड़ा परेशान कराएगा इस रूट राइडर ने, जीवन में दुखी दिया है हमको जब भी दिया है, पर जब से यह हार्ड मोड लिखा हुआ सा आ रहा है ना, मुझे लग रहा है मुझे कुछ उम्मीद है, कुछ 1% की उम्मीद है शायद बच सकता है, या फिर वही अंधी पिटाई देखने को मिलेगी हमें रूट राइडर के द्वारा हमारे अपने बेस की। चलिए चेक करते हैं, भेज आ गई है। बहुत सारे हेड हंटर आ रहे हैं, पर वो मार के रख देंगी वल्करी उनको 1 सेकंड के अंदर। आइस गोलम होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, कम से कम आर्मी यहाँ पे फंसी रहती थोड़ी देर के लिए। हेड हंटर का सीसी कुछ फ़ायदा यहाँ पे नहीं उठा के दिया है हमको। आर्मी सेंटर तक घुस चुकी है, पर बेस अभी काफ़ी बाकी है। 2 रेज बाकी है, फ्रीज बाकी है। मुझे लग रहा है कि इसकी आर्मी भाई थोड़ा कम बाकी है। रॉयल चैंपियन ऑलरेडी लगी हुई है, किंग क्वीन आरसी तीनों के पास एबिलिटी है। कंपार्टमेंट थोड़ा हैवी है, आर्टिलरी वाला हीरोज के हेल्थ को ऑलरेडी आपको पता ही है डाउन कर दिया गया है हार्ड मोड में, अटैक को भी और हेल्थ को भी। उसका फर्क मुझे यहाँ पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किंग मर चुका है, रॉयल चैंपियन की एबिलिटी लग चुकी है, और अगर आरसी यहाँ पे मर जाती है तो यकीनन ये अटैक तो 3 स्टार नहीं हो पाएगा। पर अभी आरसी जिंदा है, आरसी भाला मार रही है, धनादन 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 मर गई। लो भाई आरसी मर गई, मतलब अपना काम कर गई ये बेस। भाई वाह, मजा आ गया भाई। हार्ड मोड की जय हो, लीला परंपार हो। अटैकर नंबर अगले पीके मुस्तफा भाई हमारे पगले लेकर आ गए हैं वार्डन बुक, और एक शतुर्मुर्ग सा लटका रखा है भाई वार्डन के सिर पे, जो हमारा नया पपेट है, जो वार्डन को सिर्फ डिफेंस के ऊपर ही लगा के रखता है। ऑक्टोपस भी कहते हैं इसे, असली नाम नहीं पता मुझे इसका, बाकी सारे नाम पता है। यहाँ पे फ्लिंगर वैल्यू निकालने का काम कर रहा है, अच्छी खासी वैल्यू है यहाँ पे। मोनोलिथ तक टेक डाउन किया जा सकता है अगर फ्लिंगर ठीक ठाक चलता रहा। कुछ हेड एंटर आ गए यहाँ पे,
वार्डन को मारने की कोशिश में लगे हुए इनविजिबल लगा दिया, और वो इनविजिबल नहीं हुआ है। आर्चर टावर ही तो कह रहा था नहीं हुआ इनविजिबल। गधी बैठ गई हमारे अटैक। उस बम को फटना था बीचों बीच और वो फट गया कहीं और। अब मुझे टेंशन है 2 स्टार की, परसेंटेज की बिल्कुल परवाह नहीं है मुझे, बस ये 2 स्टार हो जाना चाहिए किसी तरह। प्रतिशत जितना मर्जी हो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे पैका मर चुके हैं निकल के सीसी में से, लिंगर वाले वल्करी के साथ यहाँ पे रास्ता बनाया जा रहा है। एयर डिफेंस को निकालने का काम कीजिए, क्वीन को टाउन हॉल के नाम कीजिए और यहीं से किंग की भी एंट्री करा दीजिए। किंग तो दिखे निराम, और किंग इसने दूसरी तरफ उतार दिया है ऑलरेडी। अब तो सिर्फ क्वीन के हवाले वतन साथियों, क्योंकि किंग की तो चढ़ा दी है इन्होंने बली साथियों। टाउन हॉल अगर नहीं आया तो आज तो हम बर्बाद हो जाएंगे, रॉयल चैंपियन भी, क्योंकि ऑलरेडी उतारी जा चुकी है। एक भी स्पेल बचा नहीं है क्वीन के पास टीएच को लेने के लिए। मोनोलिथ की रेंज में नहीं है क्वीन, जस्ट एक स्टेप दूर खड़ी है मोनोलिथ से। और अगर यहाँ पे क्वीन मोनोलिथ की रेंज में आ जाती तो भाई साहब मुस्तफा भैया आपने तो गधी बिठा दी थी यहाँ पे इस अटैक की। किस्मत ही अच्छी है कि ये टाउन हॉल आ गया। कर भला तो हो भला। एक अटैक फेल हो चुका है हमारा भी। इलेक्ट्रो ड्रैगन आ गए सैम भाई साहब के द्वारा टीम फाइनाइटली के बाद। कुछ बलून उतारे गए हैं, इलेक्ट्रो ड्रैगन उतारा गया है, एक बेबी ड्रैगन उतारा गया है, कुछ और इलेक्ट्रो ड्रैगन आए हैं। पनलिंग का काम चालू है, बलून्स आए हैं। बस हाँ अलग तरीके से बंदा अटैक कर रहा है, अभी मैं समझने की कोशिश में लगा हुआ इसके अटैक को। रेंज बिल्कुल ठीक मारी है, दूसरी रेंज बिल्कुल ठीक मारी है। डिप्लॉयमेंट इसने सही करी है, इसकी ये जो बड़ा सा डमरू घूम रहा है इस डमरू की प्लेसमेंट इसने बहुत अच्छी करी है। एक और रेंज बढ़िया भाई हिसाब, इसने बिल्कुल सही काम कर दिया स्पेस में, अब नहीं बचता ये बेस। स्टोन स्लैमर की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया थी इसकी, आर्मी के साथ ना उतार के साइड से लेकर आया उसको, जिसकी वजह से मोनोलिथ को निकालने में बड़ी आसानी हुई। और अब आसानी होगी इस बेस को भी टेक डाउन करने में। इसके लिए 2 फ्रीज बचे हैं और वो दोनों फ्रीज स्वैग की जा सकती हैं इस हालात में आके। काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, इनकी एबिलिटी लगाओ, रॉयल चैंपियन को मारो, रॉयल चैंपियन को उतारो। वही इसने काम किया है, इनकी एबिलिटी लगा दी है, रॉयल चैंपियन को मार दिया है, अपनी रॉयल चैंपियन को उतार दिया है। दोनों फ्रीज पक्का स्वैग करने में ये कामयाब हो जाएगा, हार्ड मोड में हमारी गधी बिठाने में कामयाब हो जाएगा ये सैम बबुआ। क्या बात है भाई। नेक्स्ट अटैकर आकाश बाबूजी, क्वीन चार्ज लावालून, अभी हार्ड मोड के अंदर यानी कि अटैक फेल। क्वीन की एबिलिटी ऑलरेडी जा चुकी है, अब मैं ऐसा तो देखने का ही मन नहीं कर रहा भैया, चश्मा लगा लेता हूँ गाइस। ऐसी भयानक चीज़ें होते हुए देखना डरावना होता है थोड़ा सा। जहाँ पे स्टार्टिंग में क्वीन की एबिलिटी चली जाए तो फिर तो आप समस्या के अंदर घिर चुके हो। अप्रेंटिस वार्डन आया क्वीन को थोड़ा सा पुश करने के लिए, हेल्थ को उसकी बचा के रखने की कोशिश करेगा अप्रेंटिस वार्डन। किंग की एबिलिटी लगाई जा चुकी है, स्कैटर शॉट को निकाल लिया जाएगा, क्वीन यहाँ पे बची रहेगी। वॉल ब्रेकर आ चुका है, आइस गोलम आ चुके हैं, आसानी से क्वीन उन्हें मारेगी ये बात तो पक्की है। लेकिन क्या क्वीन टीएच निकाल पाएगी? यहाँ पे आइस गोलम्स पे बहुत समय लगने वाला है क्वीन का। लावालून चालू कर दिया है ऑलरेडी,
रेज लगा दी है, बलून्स निकल गए हैं फ्लिंगर में से, फ्लिंगर नहीं हाँ फ्लेम फ्लिंगर वही था, वही तो डाला था इसने इधर। मैं सोच रहा निकले कहाँ से, ये इनविजिबल लगा दिए क्वीन पे, मोनोलिथ को निकाल देगी अगर क्वीन तो 3 स्टार होने के चांसेस बढ़िया रहेंगे यहाँ पे, पर लग नहीं रहा कि निकाल पाएगी। अरे निकाल देगी, क्वीन के ऊपर वो लगा हुआ है फ्रीजिंग एरो, फ्रोजन एरो। देखते ही देखते इसने तो हार्ड मोड की गदी बिठा दी गाइस, आकाश बाबूजी ने वापस से अपन की 3 स्टार की लीड बन गई है। अपोनेंट को वापस से ट्रिपल मारना पड़ेगा, दबाव बनेगा भाई अब तो हार्ड मोड का। ये आए हैं और आते के साथ ही इसने तो भाई एरो मार दी मेरे बेस में, इतनी लंबी चौड़ी एरो मारी है, देख के फेंक के मारी है एकदम, एक कोने से घुसी है दूसरे कोने में जाके निकली है एरो इसकी, और इसकी एरो ने मेरे 2 एयर डिफेंस का फैरो कर दिया, 1 एयर डिफेंस बचा है बस बेस में, एक इसने रॉकेट लून से ले लिया। क्वीन इसकी गलत जा रही है, किंग ने इसकी जंप लेगा या नहीं लेगा, जंप नहीं ली तो भी काम खत्म, मोनोलिथ नहीं आया तो भी काम खत्म, ब्लिंप लेकर आया पर ये मोनोलिथ तो नहीं आएगा, किंग मर जाएगा उससे पहले मुझे लग रहा है। अबे भाई नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया, आ गया। अबे यार इसने मार दिया, फीनिक्स ने मार दिया यार, मेरे मोनोलिथ को मार दिया फीनिक्स ने। क्या ये मेरा बेस बच पाएगा, आरसी के पास एबिलिटी है या नहीं बच पाएगा, या इसकी गदी बैठ जाएगी, देख के तो लग रहा है गदी बैठेगी। अरे मोरे मैया आरसी के, ओहो 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 हो हो आइस गोलम तो अभी बचे हुए, मैं क्यों डर रहा हूँ, जब मेरे पास आइस गोलम का साथ है तो डरने की क्या बात है, डरने की बात ये है कि रॉयल चैंपियन के ऊपर डैमेज ही नहीं है, आइस गोलम क्या करेंगे जब रॉयल चैंपियन को डैमेज ही नहीं पड़ेगा, उसको डैमेज भी तो पड़ना चाहिए, अब जाके डैमेज पड़ा है, पर उससे पहले ही वो अपना काम कर चुकी थी। मुझे लगता है कि इस बेस को 3 स्टार के नाम कर चुकी थी, और अब यहाँ पे ये बहुत सारे गोल मटोल से चीज़ें निकली हैं, पर 3-3 ड्रैगन बचे हुए हैं इसके, उनकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा है गाइस, और मारेंगे तो नहीं, पर क्या डिफेंस हो सकता है ये, क्या ये टाइम फेल हो पाएगा, अरे कुछ तो हो जा, कहीं पे तो जाके खो जा, लग तो नहीं रहा ये मेरी सुनेगा गाइस, बिल्कुल नहीं सुन रहा ये तो मार डाला इसने, नहीं मर रहे, मार डाला नहीं मर रहे, मार डाला। अरे काले काले माइन आ गई गाइस, एक काले काले माइन और आ गई तो बात बन जाएगी, क्या मैंने यहाँ पे एक और काले काले माइन लगाई है, या ये 20 सेकंड में इसको तोड़ देगा यार, रगड़ दगड़ के ट्रिपल हो रहा है हार्ड मोड में भाई, गिर पड़ के कभी जमीन में कति, बहुत ही बुरी तरीके से हमारे बेस ने गिर पड़ के 3 स्टार खाया। आर्क भाई साहब अब मार्केट में क्वीन चार्ज रूट राइडर लेकर आया, सैप मार दिए, रूट राइडर देख के तो आजकल डर लगने लगा है, लगता है कि फेल ही होगा हार्ड मोड के अंदर, वैसे तो रूट राइडर ओपी है, जैसा कि हमने पहले ही अटैक देखा था रूट राइडर का जो कि फेल हो गया था, क्या यही हशर इस अटैक का भी होगा। किंगम आ चुके हैं, एक था ना गाइस सिंघम, ये हैं हमारे किंगम, किंगम ने पीट दिया है क्वीन को, फोन आ रहा है गाइस, इनको समझाना पड़ेगा कि हम अभी वीडियो के बीचों बीच हैं, पता नहीं क्यों फ़ोन कर रहे हैं, इस टाइम हम फ़ोन उठाएंगे ही नहीं किसी का भी, चाहे कोई भी हो, समझ रहे हैं आप, खास हम खास लोगों का भी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि किंगम घूम रहा है गाइस, किंगम वेन यहाँ पे बढ़िया चार्ज कर रही है, एबिलिटी है नहीं पर उसके पास टीएच पे चली गई है, कमाल की बात है ये तो, लावा को मारने में बहुत समस्या होने वाली है,
क्योंकि बहुत जगह नहीं है, जगह है जगह नहीं है, जगह है जगह नहीं है। क्वीन तोड़ने में लगी है टीएच को, टीएच टूटेगा ही नहीं क्वीन से, रेज लगा दी इसलिए। अभी भी लग रहा है मुझे नहीं तोड़ पाएगी क्वीन साइड टीएच को। एक और फ्रीज लगा दिया, पॉइजन टावर एक्टिवेट हो चुका है। क्या ये टूटेगा? टूटेगा भाई, टूट गया। अभी ये टूट गया तो उम्मीद है कि अब ये तीन स्टार हो सकता है भाई, हो सकता है भाई, हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है भाई। और क्या आरसी अपना काम करेगी? क्या इस बेस को तीन स्टार के नाम करेगी? इनविजिबल हो जा, नहीं हो पा रही, उससे पहले ही मर गई। पर रूट राइडर काफ़ी सारे बचे हुए हैं, तो गाइस एकदम प्लांड रूट राइडर अटैक था ये। वैसा नहीं था कि एकदम स्पैम मार दिया और तीन स्टार हो गया। क्वीन चार्ज भी थी इसमें, जैप भी था, और काफ़ी सोच समझ के इस बेस को मारा गया था। लीड हमारे पास आ चुकी है गाइस, टीटीपी वॉरमैन सबसे तगड़े अटैकरों में से है यहाँ पे, अपोनेंट क्लैन के काफ़ी नामी गिरामी प्लेयर है ये। और इस नामी गरामी प्लेयर के समझ में नहीं आ रहा कि अटैक पे क्लिक करने के बाद अटैक शुरू भी करना होता है। किंग आ गया, क्वीन आ गई है, किंग का घुसंड बज रहा है बेस पे। किंग एबिलिटी आ गई है, रूट राइडर भी आ चुके हैं, दो दो ओवर ग्रोथ स्पेल लेकर आया ये बंदा। ओवर ग्रोथ कर दिया गया, सुपर ड्रैगन हमारा आ चुका है, किंग इसका मर चुका है, और सुपर ड्रैगन मरने में टाइम लेगा ही लेगा। पहले आरसी को मारना पड़ेगा, आरसी को, उसके बाद सुपर ड्रैगन को मारना पड़ेगा, फारसी को। कोर में डैमेज बहुत ज़्यादा है, आर्मी मुझे लग रहा है कम बची है। तीन स्टार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उससे पहले ही अटैक गया नेट। यार मेरा नेट तो नहीं भाग सकता, ये बात तो पक्की है, चल गया। एक और ओवर ग्रोथ लगा दिए, खतरा है क्वीन से और रॉयल चैंपियन से। अगर ये मर जाते हैं या इन दोनों में से एक मर जाता है तो टाउन हॉल को नहीं तोड़ा जा सकता, ये बात पक्की है। क्वीन दीवार तोड़ के मरने का काम करेगी, क्योंकि अब टीएच की रेंज में जाएगी है। और दो फ्रीज हैं, सारे डिफेंसेस एक साथ फ्रीज नहीं किए जा सकते उन दो फ्रीज के साथ। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बेस डिफेंड करने वाला है, क्योंकि टीएच का पॉइजन भी एक्टिवेट होगा। हालांकि रॉयल चैंपियन के पास एबिलिटी है, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि जो टीएच का पॉइजन है वो जो डैमेज देगा उससे बचना मुश्किल होगा। ये एबिलिटी नहीं दबा रहा भाई, बड़ा चालाक प्लेयर है यार ये, बहुत ही चालाक है। एबिलिटी दबा दी है, रॉयल चैंपियन रफ्तार से भाग चुके हैं। मर जा 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 मर गई, मारे गई मारे गई। अब अटैक करेंगे गाइस हम, 97 या 98 करना है मेरे ख्याल से बार को जीतने के लिए। बार जीत जाएंगे अगर 97-8 हो गया तो, और तीन स्टार हो गया तो वैसे ही जीत जाएंगे। चलिए देखते हैं हार्ड मोड का क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मेरी चीजें सही बैठ जाएं फिर कोई दिक्कत नहीं। बिलिम पहुंच जा रही है टीएच पे, पहुंच जा टीएच, आ जाए नमा। टोर्नेडो आ गया गाइस, टीएच नहीं आया, और अगर टीएच अब नहीं आया, आ जा बलून से, आ जा बलून, नहीं आ रहा भाई। अभी समस्या है गाइस, अब फेल हो सकता है अटैक, क्योंकि अब टीएच के अंदर मेरे इलेक्ट्रो ड्रैगन घुस गए और वो पॉइजन में डैमेज खाएंगे। चीज़ें सही नहीं बैठी हैं, एक्स्ट्रा स्पेल लग गए हैं बहुत सारे मेरे, जो कि नहीं लगने चाहिए थे। और अब इस वजह से तीन स्टार का होना काफ़ी मुश्किल हो गया है यहाँ पे। हालांकि किंग और रॉयल चैंपियन के पास एबिलिटी है, पर क्वीन मेरी मर गई है क्योंकि स्पेल मेरे पास बचे नहीं क्वीन को बचाने के लिए। टीएच को आना था ब्लिम से, नहीं आया है।
97 96 या 97 मारना है मेरे ख्याल से, इतना मार देंगे तो भी जीत जाएंगे। किंग की एबिलिटी लग चुकी है, अपोनेंट का किंग वहाँ पे मौजूद है, वही सबसे बड़ा खतरा है, और उससे भी बड़ा खतरा वहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं ग्राउंड स्केलेटन्स। एक ग्राउंड स्केलेटन्स तो और भी बड़ा खतरा है। मार 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 किंग मार मर जा मर गया। चलो बस ग्राउंड स्केलेटन्स ना आएगा ये सब तो बात बन सकती है। ले भैया ग्राउंड स्केलेटन्स का नाम लिया और वो हाजिर। आर से आराम से निकाल लेती बचे हुए डिफेंसेस को, एक ही डिफेंस बचा है, 97 या 6 करना था, 95 रह गया। एग्जैक्टली सेम डिस्ट्रक्शन पे है गाइस हम बिल्कुल। अगर अपोनेंट ने यहाँ पे ट्रिपल मार दिया तो हम टाइम से हारेंगे क्योंकि हमने टाइम ज्यादा लिया है। 76.80 शायद उनकी और 96.80 हमारी है। उन्होंने ट्रिपल मार दिया तो हम टाइम से हारेंगे क्योंकि परसेंटेज बिल्कुल सेम हो जाएगी, स्टार्स बिल्कुल सेम हो जाएंगे। पर हाँ इनका अटैक थोड़ा लेट भी हो सकता है, मतलब टाइम टेकिंग हो सकता है क्योंकि क्वीन चार लेवल उन कर रहा है, और 98.9 हो गया तो ये हारेंगे स्टार से, मतलब निर्णायक अटैक है ये एकदम। हमारे साथ थोड़ा सा पोपट बन गया, ब्लिंप हमारी टाउन ले नहीं पाई जिसके चलते लंबे अरसे बाद अटैक फेल होने की घोषणा की जा चुकी है। पापा मोगैम्बो के वॉल ब्रेकर आ गया, सही जगह को ब्रेक कर दिया भाई इसने बिल्कुल। क्वीन मर जाए इसकी बस किसी तरह तो बात बन जाएगी, किंग तो मरने वाला है। क्वीन मर गई तो फिर अरे हेड एंटर आ गए, 50 हेड एंटर के सामने क्वीन की एबिलिटी लगा दी गई है। दो हेड एंटर और बचे हैं, एक और रेज लगाई है रॉयल रॉयल चैंपियन के जाके चिपट गए, अटैक फेल मान के चलो अभी है। अब तो नहीं बचता ये क्वीन, बस टीएच निकालना निकाल ले, उससे पहले क्वीन मरनी चाहिए पर अब नहीं बचेगा ये। अब तो ये अटैक फेल मान के आपको चलना ही होगा, चलना ही होगा। दोबारा से बोलूं, चलना ही होगा। हार्ड मोड ओपी बोलते, अपोनेंट के अटैक के घोड़े खोलते। अरे यार इसमें एक सरप्राइजिंग फैक्टर अभी भी बचा हुआ है जिस पे मेरा ध्यान ही नहीं गया, वार्डन और इसका फ्लेम फ्लिंगर। अभी मालूम नहीं फ्लिंगर के अंदर क्या निकल जाए और बचे हुए। अरे 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 सबसे ज्यादा खतरनाक चीज निकल गई, इससे ज्यादा खतरनाक चीज कुछ भी नहीं हो सकती थी। पर ये अच्छी बात है कि टीएच को एक्टिवेट करके मतलब टीएच पे डैमेज नहीं दे रहे हैं। मर जाओ 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 मर के जाओ मर जाओ मर गए। अब तो नहीं हो सकता, मिनियन तो नहीं मार पाएंगे स्कैटर शॉट को। 97% इसका ये अटैक। वार का रिजल्ट देख लेते हैं गाइस, बड़े लंबे टाइम बाद 12-13 स्टार से रिजल्ट निकला है क्योंकि ये है हार्ड मोड, और हार्ड मोड के अंदर चीजें हार्ड हो जाती हैं, ढीली नहीं रहती हैं। तो गाइस काफी मजा आया हार्ड मोड को खेल के, उम्मीद करते हैं आपको देख के मजा आया होगा। ऐसे ही शानदार वीडियो आपके लिए लाएंगे, जब तक के लिए आपसे मिलता हूं मैं अपने वीडियो में। अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी। बाय।